रेडी 5 सेकेंड्स। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें, इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है, यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था, उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। महोदय, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था, तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समुरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं
भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी ना किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्राय सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे, पर काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हम इस पर चलने की शक्ति चाहिए। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिनके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज़ को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। और यह तभी हो सकता है जब वे ये समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें, इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वह नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। स्टॉप।